नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आपको बता दें कि असम में कोविड की भयावहता को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है और इसका लाभ उठाते हुए ऊपरी असम में डिब्रूगढ़ के चबुआ में एक एटीएम चोरी की घटना घटी। चबुआ में एटीएम के प्रातः 2 बजे चोरी को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में एमएस तिराली स्थित एटीएम में चोर ने मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथों में नुकीला अस्त्र लेकर घुसकर तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करते समय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोर पर गोली चला दी। जी हाँ, इस पूरे मामले पर सुनते हैं, इस पूरी चोरी की घटना पर सुनते हैं पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है। आज 2 बजे के करीब सुबह हमारा ओसी छबुआ पीएस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक एटीएम में एमएस 3 यानी छबुआ में एक बंदा वहां पे ता लेके वहां पे घुसा हुआ है और एटीएम को चोरी करने के लिए कोशिश कर रहा है। पुलिस की गोली चोर के पैर पर लगने से चोर मौके पर ही घायल हो गया। उसे तत्काल डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज एमसीएच में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्यवाही में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।